बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे मैनिपुलेट करते हैं और देख सकते हैं कि आप पे वो मैनिपुलेशन कैसा लगता है, वो भी पिक्सआर्ट के जरूर। सो लेट्स स्टार्ट। डाउनलोड करिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। हर एक चीज़ जो भी गूगल और वहाँ पे जाके देखते हैं, याद रखिए उस वीडियो को पूरा देखने के डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लीजिए और जो इमेज है आप वो चूज़ कर लीजिए जिसमें आपको मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे इस टाइम अब हम आपको इसमें टैटू डाल देते हैं, तो आपको गूगल में जाके एक टैटू का PNG डाउनलोड कर लेना है, इसमें से ऐड फोटो करना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड फोटो में आप जो टैटू आपने जो डाउनलोड किया आप क्लिक कर लीजिए और कर लीजिए। यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसे रोटेट करना है आपके जो है उस हिसाब से, तो आप जैसे चाहे वैसे उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम जूम करके थोड़ा आपको बराबर से क्लिक करके आपको कैसे रखना है। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख दीजिए ताकि आपको बराबर अंदाज़ा लगे कि कैसा चाहिए आपको अपना टैटू हाथ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से अभी इसे रख बढ़ा करके, तो बस एग्जैक्ट यहाँ पे हमने पोजीशन में रख दिया है। तो चलिए अभी हम इसे आपको बताते हैं इसका तो कर लीजिए कि ये रियलिस्टिक लगे फोटो में। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन वो सब आप देख लीजिए शेडो और लाइटिंग के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे मैं अपने लाइटिंग और शेडो के हिसाब से कर देता हूँ। स्टेप करना है वो है ब्लेंड। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही आपने सेट कर लिया उसके बाद यहाँ पे आप ब्लेंड पे चले जाइए। यहाँ पे ब्लेंड पे आप हर एक ब्लेंड कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए कौन सा सबसे अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। मुझे यहाँ पे ये वाला सबसे अच्छा सिलेक्ट कर लेता। तो ये रहा हमारा टैटू वाला जो था वो बन चुका है। तो यहाँ पे आप भी अपने फोटो ऐसे ही मैनिपुलेट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।